नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एक ऐसी चीज बताने जा रहा हूं जिसे सुनकर के शायद आप सोचने पे मजबूर हो जाएंगे, और बात सही भी है। आप लोगों को पता है भारत में जब कोई किसी मुद्दे पे बात किया जाता है या फिर भारत में चुनाव होता है तो यहाँ पे सबसे पहले टारगेट मुस्लिम को किया जाता है, और मुस्लिम लोग होते हैं तो वह हिंदू को टारगेट करते हैं। बात सही है, बिल्कुल क्लियर है, इसमें कोई दो राय नहीं है, या फिर बस तक बचा कुचा हिंदुस्तान पाकिस्तान और हिंदुस्तान और चीन किया जाता है। लेकिन आपको पता है इन दोनों के बीच में मजा कौन लेता है? नहीं पता है तो चलिए आपको बताते हैं। और वीडियो पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को और भी लोगों तक शेयर करें ताकि पता चल सके कि एक्चुअल में दो लोगों के बीच की लड़ाई का मजा लेता कौन है। आप लोगों को पता है इस समय भारत में ईसाइयों की संख्या कितनी है? नहीं पता है तो चलिए आपको बता दें, इस समय भारत में ईसाइयों की संख्या लगभग 3 करोड़ से ज्यादा है, और 2001 में लगभग इनकी जनसंख्या जो है काउंटिंग की गई थी लगभग जो है 40 लाख के करीब में थी। तो 2001 और 2024 यानी 23 सालों में इन लोगों ने जबरदस्त ग्रोथ किया, और आप लोग देख सकते होंगे कि आपके आसपास बहुत सारे ऐसे कॉलेज होंगे, हॉस्पिटल्स होंगे, बैंक होंगे, मॉल होंगे जो संत पुष्पा के नाम से या फिर संत जेवियर्स के नाम से, यानी संत के नाम से जितने भी स्कूल या कॉलेज, मॉल्स, हॉस्पिटल्स, बैंक खुले हुए हैं ये इन्हीं लोगों का है। और एक चीज आपको और बता दें कि आपके आसपास बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हिंदू धर्म छोड़कर, मुस्लिम धर्म छोड़कर के ईसाई धर्म अपना रहे हैं, और इसका भनक तक किसी को नहीं है। अब आप सोचिए कि इसमें हिंदू मुस्लिम को कन्वर्ट कर रहा है या फिर मुस्लिम हिंदू को कन्वर्ट कर रहा है? आपस में हिंदू मुस्लिम लड़ाई कर रहे हैं और इसका मजा कौन ले रहा है? वीडियो में मैंने बता दिया है।